विद्यार्थीगण, आज ये आपका सब्जेक्ट है, क्लास है 9 और 9 में सब्जेक्ट है मैथ और मैथ में चैप्टर है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति मैथ में एक बहुत बड़ा भाग है 9 क्लास में। उसमें से कई चैप्टर दिए हुए हैं जिसका हम लोग अभी फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन करेंगे, लेकिन चैप्टर में भी हम लोग नहीं जा रहे हैं। चैप्टर के पहले कुछ फॉर्मूला है, कुछ सूत्र है जिसका हमें सहारा लेना है इस चैप्टर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला को समझेंगे और फॉर्मूला अगर समझ गए तो चैप्टर बनाना बहुत दिक्कत हम लोगों के लिए नहीं होगा। सबसे पहले है कि हम लोगों को बनाना कैसे क्वेश्चन को और फॉर्मूला जो हमको यूज करना है कैसे यूज करना है, फॉर्मूला बनते कैसे है, फॉर्मूला आया कहां से और कैसे उसको हम समझेंगे, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर से रिलेटेड। तो सबसे पहले घनाभ, इसके पीछे हम चर्चा नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि घनाभ के पीछे अगर हम लोग चलते हैं तो बहुत सारी बात है उसमें आ जाएगा, आयत आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा, त्रिभुज आ जाएगा। घनाभ के पहले पढ़ेंगे तो घन के, घन और घनाभ, घन पढ़ेंगे तो वर्ग आ जाएगा। आप इसमें पढ़ना है वृत्त, पढ़ना है बेलन, पढ़ना है बेलन पढ़ेंगे उसके पहले वृत्त आपको आ जाएगा। शंकु पढ़ना है, शंकु में दोनों शामिल है, बेलन को काट करके शंकु बनाया जा रहा है। तो ये सब सारी घटनाएं हैं, लेकिन मुझे आशा और उम्मीद भी है कि पिछली कक्षाएं में आप क्लास 8 में क्लास 7 में इन सारी चीजों को भली भांति आप पढ़े होंगे, और अगर भली भांति आप पढ़े होंगे तो ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होगा। ऐसे हम पीछे जो क्लास 7-8 ये सब का क्लास जब हम लेंगे तो इन सारी बातों 6-7-8 में तो इन सारी बातों को मैं बताऊंगा, आप उसे देख करके और उसे समझ जाएंगे आप, क्योंकि आपके लिए भी जरूरी है इसके पीछे जो चीज छुटा हुआ है, क्योंकि डायरेक्ट आपको घनाभ में ले आ रहा है ये चैप्टर, जो है घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, ये सब में ले आ रहा है आपको डायरेक्ट। इसके पहले जो फिगर है और उसका सॉल्यूशन कैसे होगा, जब तक उसको आप अच्छी तरह से नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, यहां पे आपके साथ दिक्कत होगा। लेकिन मैं उसे छोड़ते हुए, उन सारी चीजों को छोड़ते हुए डायरेक्ट आपको मैं यहां ले आ रहा हूं। ध्यान देंगे थोड़ा सा, कर घनाभ, घनाभ है क्या, घनाभ क्या है, क्यूबॉइड, इंग्लिश में क्यूबॉइड बोलते हैं घनाभ। बना किससे है ये? ये आयत से बना है। आयत के बारे में थोड़ा सा विचार करेंगे संक्षेप में, ये एक आयत है। क्या होता है आयत में? रेक्टेंगल। ये अपोजिट साइड इक्वल होता है, इसके बराबर ये होगा, इसके बराबर ये होगा। 4 वर्टिकल्स होते हैं शीर्ष, 4 साइड होते हैं, प्रत्येक एंगल जो 4 एंगल होते हैं जिसमें से प्रत्येक 90 डिग्री, टोटल 360 डिग्री, ये हो गया आयत रेक्टेंगल। और इसी पर अगर हाइट दे दिया जाए, हाइट जैसे सपोज किया जाए ये कमरा है जिसमें भी हम लोग हैं, ये कमरा है, तो ये कमरा का एक सतह है नीचे, जमीन है, बिल्कुल है, एक सतह है, और एक सतह का ये कमरे में जो सतह है, इस सतह पर दीवार है। जब हम केवल सतह की बात कर रहे हैं, केवल फ्लोर की बात कर रहे हैं इसका, चाहे रूफ या फ्लोर, तो उस परिस्थिति में रेक्टेंगल का एक प्रमुख उदाहरण हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें दीवार हमने खड़ा कर दिया और ऊपर से रूफ इसमें की भी गणना हमने करने लगा, सारी चारों सभी दिशाओं में जो साइड्स हैं इसके हो गए सभी का गणना, तो ये बन जाएगा घनाभ, क्यूबॉइड हो जाएगा। यही पे है, देखिए ये आयत है, आप देख रहे होंगे भाई बात, ये आयत है, और इस आयत में हाइट दे दिया गया, ये हाइट है, देखिए इधर ये हाइट है, और इस हाइट पर फिर एक आयत खड़ा कर दिया गया, घनाभ बन गया। जैसा कि आप अभी देख सकते हैं इस फिगर में, बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं, ये आयत है, देखिए नीचे नीचे का है, नीचे का पोर्शन है, नीचे इसका पोर्शन है, ये हाइट को जोड़ दिया, घनाभ बन गया। तो आयत में क्या होता है, लेंथ एंड ब्रेड्थ होता है, लंबाई एंड चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई, लेंथ एंड ब्रेड्थ। लेकिन इसमें क्या होगा, हाइट एक बढ़ गया। जैसे सपोज किया जाए एक चौक का डब्बा है, देख रहे होंगे आप, ये जो सतह है नीचे वाला सतह है, क्या है, आयत है, कोई भी एक सतह लीजिए, ये क्या है, आयत है। ऐसे अगर इसको ऐसे हम समझे, ऐसे कर दे इसको, ये आयत था, ये हाइट हो गया, ये हाइट हो गया, ये हाइट पर फिर उतना ही बड़ा एक आयत बना दिया, तब घनाभ हो गया।
दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ क्यूबॉइड। ये चौक का डब्बा घनाभ का एक उदाहरण है। लंबाई, चौड़ाई और ये ऊंचाई, थ्री मेजर लेना है, थ्री मेजर, तीन मेजर को लेना है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। लेकिन जब केवल हम रेक्टेंगल की बात करें, केवल आयत की बात करेंगे तो ये लंबाई ऐसे अगर हम कर दिए, ऐसे कर दिए, लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, ऊपर से कर लेना, ये लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, लेंथ, ब्रेड्थ, कोई मतलब नहीं है और पार्ट से। लेकिन यहां पे क्यूबॉइड की बात हो रही है, क्यूबॉइड की बात हो रही है, इसलिए हम हाइट जब इसमें इंक्लूड हो गया तो क्यूबॉइड हो गया। माचिस का डब्बा ले लीजिए, साबुन का डब्बा, बिस्कुट का कार्टून ले लीजिए, कमरे का आकार ले लीजिए, ये सब सारे क्यूबॉइड के एग्जांपल हैं। और इसमें तीन माप हो जाते हैं, थ्री मेजर इसमें हमने करना पड़ता है हमें, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। अब आइए इस बात को अभी यहीं पे छोड़ रहे हैं। अब आगे चैप्टर क्या बता रहा है, पार्श्वीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ज्यादा ये वर्ड को यूज किया जाता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्या होगा, इसके वक्र को ले रहा है, जैसे ये डब्बा था, ये डब्बा है, इसमें वक्र कौन कहलाएगा, यानी ये डब्बा अगर इस तरह से इस पोजिशन में, तो ये नीचे वाला ऊपर वाला वक्र नहीं कहलाएगा, सतह हो गया, नीचे ऊपर वक्र, ये पृष्ठीय, चार पृष्ठीय वक्र हो गया। अगर इस डब्बा को हम ऐसे कर दें तो ये सतह हो गया, वक्र नहीं हुआ, ये चार, ये वक्र कहलाएंगे। इसका पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है ये डब्बा, इसलिए आप घुमा रहे हैं। अगर कमरे का बात है तो कमरे को तो घुमाएंगे आप नहीं, कमरा तो अस्थिर स्टैंड रहेगा, और जो नीचे का जो फ्लोर है और ऊपर का जो रूप है वो इसका रेक्टेंगल के सतह से जुड़ता हुआ आएगा, यानी वक्र में ये नहीं आएगा। वक्र में क्या आएंगे, चारों दीवार, चारों इसका दीवार। तो दीवार में क्या होगा, अब आपको ये समझना है कि दीवार में क्या होगा। अब आप यहां से समझ सकते हैं, देखिए ये सतह है, ये जिसको हम कलर कर दे रहे हैं, ये सतह है, तो ये भी सतह हो जाएगा। बचा क्या, ये बच गया, ये भाग बच गया, और इसके ठीक अपोजिट वाला बच गया, और ये भाग बच गया। तो इसके लिए क्या होगा, लंबाई, और ये क्या हो जाएगा, ऊंचाई, हाइट, ये एल इंटू एच, कई बार, एक बार इधर, एक बार इधर, जिस तरह से डब्बे में आप देख रहे हैं, इस डब्बे में आप देख लीजिए, ये हो गया लेंथ, ये हो गया हाइट। तो ऐसा ऐसा कई बार इधर से दो हो गया, तो क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए सॉल्यूशन, देखिए टू एल इंटू एच प्लस एक हुआ भी। अब बच गया क्या, ये बच गया, इसके लिए क्या होगा, बी ब्रेड्थ एंड हाइट, कई बार एक इधर और एक इधर, दो, तो यहां भी हो जाएगा प्लस टू बी इंटू एच, ऐसे होगा दो बार। छूट गया कौन, ये छूट गया, ये सतह है, ये सतह छूट गया, क्योंकि वक्र कह रहा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है। तब क्या होगा, इसका सॉल्यूशन कर दीजिए, दोनों में कॉमन क्या है, टू है, ऐसी के जैसा मैं बना दे रहा हूं, बी एच को भी कॉमन ले रहा है, इधर कर दे रहा है, ऐसे जैसे यहां लिखा हुआ है, देखिए एच को दोनों में एच था बाहर कर दिए, दोनों में टू था बाहर कर दिए, टू ब्रैकेट एल प्लस बी एच, एल प्लस बी ब्रैकेट में रहेगा, एच बाहर रहेगा, क्या हो गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैसे बना फॉर्मूला, दो सतह को छोड़ देना है, कौन सतह है, जिस पर वो टिका हुआ है और उसके जस्ट अपोजिट, किसी भी चीज का ले रहे हैं, बुक का ही ले रहे हैं, एक मान लीजिए बुक का ही ले रहे हैं, ये बुक है हमारे पास, बुक, अगर ये क्या है, क्यूबॉइड है, क्योंकि हाइट है इसमें, ये लेंथ हो गया, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेड्थ हो गया, और ये हाइट हो गया। अगर वक्र पृष्ठ का आएगा बात, वक्र पृष्ठ का अगर बात आएगा तो वक्र पृष्ठ में क्या करेंगे, ये और ये छोड़ देंगे, ये लेंगे बी इंटू एच, और ये हो जाएगा एल इंटू एच, कई बार दो बार, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, तो आप समझ गए होंगे। इस प्रकार से फॉर्मूला बन गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका, क्यूबॉइड का, घनाभ का। अब कह रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण मतलब सारा पृष्ठ, एक घनाभ में छह पृष्ठ होता है, अब यहां चार पृष्ठ का हम लोग निकाले थे चारों दीवार का, तो हो गया वक्र पृष्ठीय। और सतह, दोनों सतह को जोड़ देंगे, फ्लोर और रूफ, नीचे का भी और ऊपर का भी, तो छह, दो और बढ़ जाएगा छह, तो उसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए उसको लिखेंगे ऐसे, टू सपोज किया जाए, इसी डब्बे से समझ लीजिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या लिखेंगे, एक लंबाई हो गया, ये इसके लिए नीचे वाला के लिए लेंथ हो गया, अरे ब्रेड्थ हो गया, कई बार एक नीचे और एक क्या ऊपर, तो टू एल इंटू वी प्लस, नीचे का हो गया ऊपर का हो गया, अभी ये वाला लीजिए,
ये क्या हो गया लेंथ और ये क्या हो गया हाइट, एल इंटू एच कई बार वन एंड वन टू, तो यहां हो जाएगा टू एल इंटू एच। अब क्या बच गया आपके पास, ये बच गया, ये वाला भाग बच गया, क्या हो गया ब्रेड्थ चौड़ाई और ये क्या हाइट ऊंचाई कई बार, एक इधर और एक इधर, एक इधर और एक इधर दो, तो हम क्या लिखेंगे टू बी इंटू एच। आप देखिए टू सब में टू को कॉमन ले लीजिए, एल बी प्लस एल एच प्लस बी एच, देखिए इससे मिल रहा है आपका एल बी एल बी बी एच बी एच एच एल एच एल एल एच, जैसे लिखना आप लिखिए कोई दिक्कत नहीं, देख रहे हैं संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ में डिफरेंस क्या हुआ, केवल नीचे वाला सतह जिस पर वो टिका हुआ है उसके अपोजिट दो सतह को साइड कर देना है, पूरा दीवार को लेंगे हम, चारों दीवार को लेंगे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा, यहां पे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जा रहा है। अब आइए आयतन की बात हो, आप क्षेत्रफल निकालते थे किसमें, आयत में, वर्ग में निकालते थे, त्रिभुज में निकालते थे, यहां पर हमको आयतन निकालना है। आयतन क्यों नाम दिया गया, क्योंकि पूरा इसमें कितना जगह है वो लेना है, क्योंकि लंबाई भी लेना है चौड़ाई भी लेना है और ऊंचाई भी लेना है। तो आयत का क्षेत्रफल में क्या करते थे, लंबाई इतना चौड़ाई लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी, अब इसमें एच एच शामिल हो जाएगा, तो हो जाएगा एल इंटू बी इंटू एच, तीन, देखिए तीनों दिया हुआ है। आयतन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच, यानी घनाब का आयतन क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, क्लियर है। अब आइए विकर्ण, विकर्ण किसको कहेंगे, इसी डब्बा में समझ लीजिए, आयत में विकर्ण होता था, आयत में विकर्ण कैसे होता था, आयत में विकर्ण कैसे होता था, ये आयत है ये विकर्ण हो गया, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें देखिए विकर्ण का इस कोना से लेकर के ये कोना ऊपर वाला कोना से ये कोना में लाना पड़ेगा, एक तो ऐसे करके लाना पड़ेगा, आयत का विकर्ण मतलब ऐसे हो गया ऐसे हो गया ऐसे हो गया, आयत का विकर्ण हो गया, लेकिन ये कोना इधर वाला ये कोना देखिए ये कोना देखिए अपोजिट और इसे बीच से यहां तक आएगा, तो इसके लिए क्या होगा रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आयत में क्या होता था, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे होता था, उसे भी आप सीख चुके हैं कैसे होता था, पाइथागोरस प्रमेय यहां पे लगाया जाता था, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार वो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता था, लेकिन यहां पे जो हमारे पास एल बी एच तीनों है और जो उसका विकर्ण निकालना है क्यू वाइड का, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर तीनों मान यहां पे आ जाएगा। अब चारों दीवार का क्षेत्रफल अभी तो हम लोग पढ़ चुके थे, जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया वो क्या है, चारों दीवार का क्षेत्रफल है, वो क्या इक्वल, ये देखिए चारों दीवार का क्षेत्रफल को ही वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं, कहां पे, यहां पे जब घनाभ की बात होगा, जब हम लोग की वाइड की बात करेंगे। अब यहां पे इतना सारा फॉर्मूला हम लोगों ने तैयार कर लिया, सीख गया, अब यहां से कोई भी पार्ट हम निकाल सकते हैं, जैसे आइटम दे दिया एल बी एच दे दिया, अगर बी नहीं है वॉल्यूम दे दिया एल दे दिया है, तो बी बराबर क्या होगा, फॉर्मूला बनाना पड़ेगा आपको, फॉर्मूला बनाने के लिए आप सीखे हैं, फॉर्मूला बनाने के लिए इसके बाद हम जो क्लास लेंगे उसमें फॉर्मूला बनाने के लिए आपको सिखाएंगे, अभी आप सबसे पहले फॉर्मूला को सीख लीजिए, उसके बाद जो क्लास होगा फॉर्मूला इसी से तोड़ करके तैयार करने के लिए आपको हम बताएंगे। अब है घन, घन का देखिए ये फिगर है, ये घन बनाए किससे, वर्ग से बनाए स्क्वायर से बनाए, स्क्वायर से बनाए क्यूब, क्यूब घन स्क्वायर से बनाए, स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में क्या होता है, रेक्टेंगल से क्या इसमें भिन्नता है, रेक्टेंगल और स्क्वायर में जो भिन्नताएं हैं, आयत और वर्ग में जो भिन्नताएं हैं, कोई भिन्नता विशेष नहीं है, समझने का फेर है, क्योंकि उसमें लंबाई और चौड़ाई हम लोग बोलते थे, लेंथ एंड ब्रेड्थ बोलते थे, क्योंकि एक साइड है सो लंबा होता था, एक साइड है सो थोड़ा छोटा होता था, तो निश्चित है कि कोई भी साइड लंबा होगा तो लंबाई बोल देंगे, छोटा होगा उसे चौड़ाई बोलेंगे, लेकिन यहां पे तो सारे साइड जो है इक्वल है, सभी साइड बराबर है, तो यहां पे तो हम किसको लंबाई किसको चौड़ाई बोलेंगे, बोलना सार्थक नहीं होगा, छिपा हुआ है, तो यहां पे क्या होता था एल इंटू बी होता था, यहां पे क्या होगा भुजा गुने भुजा हो जाएगा, साइड इंटू साइड, इसलिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में वहां पे हम लोग क्या किए थे, क्यूबॉइड में क्या किए थे,
चार साइड को, चारों दीवार को लिए थे, यहां भी चारों दीवार को लेंगे। अब एक दीवार, अब सपोज किया जाए जितना इसका लंबाई लेंथ, उतना इसका ब्रेड, उतना उसका हाइट, किसी में कोई डिफरेंस नहीं है, ऑल आर इक्वल। जितना लंबाई उतना चौड़ाई, उतना इसका ऊंचाई हाइट, एल इंटू बी इंटू एच, सारा एल बी एच सारा जो है इक्वल है, तो इसका नाम दे दिएगा ये। किसी को आप लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं कह सकते हैं, कहना सार्थक नहीं होगा, इसलिए इसका नाम ये दे दिया, यानी साइड साइड साइड, इसका नाम साइड 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 दे दिया। तो तीनों ये कह रहा है। अब देखिए चार छह सतह है, चार सतह लेना है वक्र पृष्ठीय में हमको, केवल दीवार को नीचे ऊपर वाले सतह को छोड़ देना है। तो एक सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, दिमाग लगाइए, कोई भी एक सतह पकड़िए, मान के चलिए यही चौका डब्बा है, लेकिन इसमें भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई स्पष्ट दिख रहा है अलग अलग, लेकिन अगर इसको काट के हम छोटा कर दें, सब बराबर कर दें, चारों सारे चारों तरफ से इसको हम बराबर कर दें साइड इसका, तब क्या होगा, किसको हम लंबाई किसको चौड़ाई किसको ऊंचाई बोलेंगे, किसी को नहीं बोल सकते आप, तब सबका नाम हो जाएगा साइड साइड साइड। ये तो चार, तो एक साइड का एरिया क्या होगा, ये इंटू ये, दूसरे साइड का फिर ये इंटू ये, तीसरे साइड का ये इंटू ये इंटू ये, तो कितना, फोर ए स्क्वायर। कैसे, जैसे हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, ये इंटू ये एक का कितना होगा ए स्क्वायर, और ऐसा ऐसा कितना, कैसा है, चार, सब में यही आएगा, इसलिए फोर ए स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट कर रहा है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र पर पूरे का, तो कितने सतह से कितना फ्लोर है, छह, तो सिक्स ए स्क्वायर, सिक्स ए स्क्वायर संपूर्ण हो गया फुल। आयतन क्या होगा, ये कि वहां पे क्या लिख रहे थे, एल इंटू बी इंटू एच, एल इंटू बी इंटू एच, लेकिन एल बी एच क्या है यहाँ पे, सब ये है, सब क्या हो जाएगा, ये अब विकर्ण, तो वहां पे क्या लिख रहे थे विकर्ण में, वहां पे क्या लिखे थे, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, सबका वैल्यू ये है, तब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कितना बार है, थ्री ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, रूट थ्री है, ए से स्क्वायर हट गया, बाहर कर दिए, इसमें भी हम फिर आपको इससे अलग अलग वैल्यू फिर निकालने के लिए आपको हम सिखाएंगे। अब है हमारे पास लंबवृत्तीय वेलन, लंबवृत्तीय वेलन देखिए सिलेंडर है, सिलेंडर का हमें निकालना है, सिलेंडर बना किससे, वृत्त से बना है, सर्किल से, सर्किल से सिलेंडर बना है, बेलन का सर्किल उसमें ऐड है, एक सर्किल है, इसी में जब हम देते गए देते गए देते गए देते गए देते गए तो लास्ट में इसमें एच आ गया, या फिर आप देखते हैं इस प्रकार से बना हुआ है, जब इसको बार बार काटते जाएंगे तो कितना वृत्त बनेगा, गाजर को आप काटते हैं ना गोल गोल सलाद बनाते हैं, देखते हैं कैसे बार बार वृत्त वृत्त बन बन करके निकलता है, तो गाजर हो गया बेलन का उदाहरण, और जो काट करके आप जो सलाद बनाते हैं गोल गोल वो वृत्त हो गया, आप फिर शामिल कर दिए उसको सारे को तो फिर बेलन हो गया, सिलेंडर हो गया। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इसको जानने के लिए पहले वृत्त जानना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे तो इस चैप्टर में तो दिया नहीं है, इसलिए हम यही पे बता रहे हैं, फिर हम पिछली कक्षाओं में जब आएंगे वहां से आप सीख लीजिएगा। कह रहा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल टू पाई आर एच, बेलन का वृत्त का क्या होता था, टू पाई आर, इसमें बढ़ा गया एच, हाइट आ गया इसमें, केवल ये आर है ये एच है, हाइट आ गया इसमें एच था कि टू पाई आर एच। फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आएगा, देखिए ये सतह और ये सतह जुड़ जाएगा, अब ये सतह नहीं जुड़ा है, क्षेत्रफल दोनों साइड किनारा केवल ये जुड़ा, तो इसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे, तो पहले लिखेंगे टू पाई आर एच, ये वाला ये फ्लोर के लिए वक्र के लिए, और ये जो दो सतह बना इसके लिए क्या होगा, प्लस टू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकलेगा इसका, इसका एरिया ये वृत्त बनेगा, किनारा ये भी वृत्त बनेगा, क्या है दो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, कितना पाई आर स्क्वायर, टू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, टू दोनों में मिल रहा है, पाई दोनों में मिल रहा है, यार दोनों में मिल रहा है, तब क्या हो जाएगा एच प्लस यार, या यार प्लस एच, जैसे लिखना है, ये हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका, बेलन का, सिलेंडर का, इस प्रकार से हम लोग फाइंड करेंगे।
अब इसके आयतन आयतन का बात हो रहा है, वहां पे हम लोग क्या करते थे, पाई आर स्क्वायर करते थे, पाई आर स्क्वायर किसका निकल जाएगा, ये सर्किल का वृत्त का निकल जाएगा, लेकिन इसमें जो हाइट दिया हुआ है एचपी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, किस प्रकार से, जिस प्रकार से क्यूबॉइड में होता था, रेक्टेंगल में होता था एल इंटू बी, और क्यूबॉइड में क्या देखिए एल इंटू बी इंटू एच, सेम उसी प्रकार से अभी एच इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच हो गया। ऐसे इसको कंप्लीट करना है, फिर हम आगे आपको बताएंगे आर कैसे निकालेंगे, एच कैसे निकालेंगे, सारे फॉर्मूला को हम लोग तोड़ेंगे। यहां पे आ जाइए शंकु, लंबवृत्तीय शंकु कौन, शंकु में देखिए क्या है, ये आर है, ये एच हो गया, ये एल हो गया, तिरछी ऊंचाई तृतीया ऊंचाई, ये हाइट हो गया एच, ये आर हो गया, यहां से पूरा लिखे थे टी हो गया। अब यहां पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या ये आएगा, सतह नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा पाई आर एल इसमें शामिल रहेगा, ये झुकाव पाई आर तो होता था, ये एल इसमें आ जाएगा। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या, पाई आर एल प्लस ये सतह का क्षेत्रफल क्या, पाई आर स्क्वायर, दोनों में से कॉमन ले लीजिए, पाई को कॉमन ले लिया, आर को कॉमन ले लिया, एल प्लस आर, ये रिजल्ट आया। ये देख रहे हैं, हाँ तो यहाँ पे आर छूट गया था, पाई आर होगा क्योंकि पाई आर कॉमन लिया जा रहा है दोनों से, तो एल प्लस आर बचा, ये हो गया किसका, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद आयतन, आयतन देखिए आयतन को बहुत आसानी से समझ सकते हैं आप, ये शंकु है ना, ये बेलन है, ये बेलन है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। अब यहां से ऐसे काट दीजिए, कई भाग बना, एक दो तीन, तीनों बराबर भाग बनता है, वन टू थ्री, इसमें से ये निकाल दिए, तो बेलन का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और जो शंकु है तो इसका कितना तीसरा भाग है, तो वन बाई थ्री लग गया, वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर, बहुत ईजी है। तो इस प्रकार से हम लोगों को फॉर्मूला कंप्लीट करना है, इसमें अभी और फॉर्मूला बच रहे हैं, उसको हम दूसरा क्लास में आपको दिखाएंगे, तब तक इतना आप कंप्लीट करिए।